बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि भांग, धतूरा और आख, इस तरह की चीज़ें भगवान शिव को जो अर्पण की जाती हैं तो वो क्यों की जाती हैं। और कुछ के मन में ये भी है कि भगवान तो जो है वो भांग का सेवन करते हैं, पीते हैं, तो पार्वती माता कुंडी सोटे में जो है भांग को रगड़ती हैं, शिव जी उसको पीते हैं। तो बड़ी विचित्र चीज़ें हैं जो लोगों के मन में हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भगवान के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, बैजनाथ धाम, जिसे आप लोग बैजनाथ धाम कहते हैं। तो शिव जी एक और रूप भी रखते हैं, वो है वैद्यनाथ होना, वैद्यों के भी वैद्य, चिकित्सकों के भी चिकित्सक, उपचारकों के भी उपचारक। तो जिन्होंने विष को अमृत बनाया, विष पी लिया और अमृत दिया संसार को, तो ऐसे भगवान जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी विषैली चीज़ें हैं वो विषैली चीज़ों से ही ठीक की जा सकती हैं। जैसे उपचार होता है रोगों के लिए, ऐसी जहरीली चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और आयुर्वेद में ये माना जाता है कि अगर किसी ने कोई जंगम विष शरीर में किसी के पहुंच गया हो, सांप वगैरह बिच्छू ने काट लिया, तो जड़ विष से उसका उपचार किया जाना चाहिए। जड़ विष होता है जैसे ये जो धरती से निकलने वाला विषैला तत्व होता है या फिर जड़ी बूटियों से होता है। सीधा अर्थ कहने का ये है कि वैद्य को ही पता है विषैली चीज़ों के माध्यम से भी उपचार किया जा सकता है। भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, जानने वाला उसका उपयोग करने वाला होता है तो वही अमृत बन जाती है। और शिव जी अपनी तरफ विषैली, कड़वी और नशीली चीज़ों को भी अपनी तरफ ला करके अमृत में बदल देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विषय वासना से लेकर के लोभ लालच से लेकर न जाने कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतने विषय जो है वो विषैले हैं, उनको अगर हम अमृत में बदलना चाहते हैं तो शिव की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए अपने आप को पवित्र करते हुए। ये मतलब नहीं है कि हम भी गंजेड़ी बन करके भांग धतूरा खा के बैठ जाएं और उसका मतलब ये होगा कि शिव जी इससे मिल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शिव जी को कोई भांग पसंद है तो माता पार्वती भी अगर कोई भांग तैयार कर रही हैं तो वो भांग तैयार नहीं कर रही हैं, औषध तैयार कर रही हैं, और वो औषध जो है संसार के उपचार के लिए है। एक और निवेदन, कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने विष पान किया था संसार को बचाने के लिए तो उनका शरीर नीला पड़ता जा रहा था, तब कहते हैं कि आदि शक्ति प्रकट हुई और आदि शक्ति ने प्रकट होकर के उनके लिए एक विधान तो ये किया कि जल चढ़ाया जाए इनके ऊपर में, और दूसरा उन्होंने जो औषधियों के माध्यम से जो इस तरह की औषधियाँ थी उनका सेवन कराते हुए शिव के ताप को कम किया था। सीधा मतलब ये हुआ कि ये औषध हैं जिसका प्रयोग वैद्य ही कर सकता है। आम आदमी भांग धतूरा और आक वगैरह का सेवन करने बैठ जाएंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे, हानि कर लेंगे, ये तो वैद्य ही कर सकते हैं। भगवान ने सिर्फ ये दर्शाया है कि मैं प्रसन्न होता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो दुनिया के लिए निरर्थक है पर अगर श्रद्धा भाव से तुम मेरी तरफ लेकर आते हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। हालांकि बेलपत्री भी कुछ लोग खाते हैं और उनसे उनकी शुगर को लाभ हो जाता है, कुछ लोगों का जो है ब्लड प्रेशर एकदम डाउन आ जाता है, ये सब वैद्य लोग ही आपको बता सकते हैं, उससे ही लाभ लेना चाहिए, लेकिन स्वयं इसका सेवन करने बैठ जाए ये उचित है।